मुरादाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत 24 की पड़ताल में वेंटिलेटर पर मुरादाबाद के बिलारी की स्वास्थ्य सेवाएं दिखाई दी। लगातार हो रही डेंगू से मौतों के बाद संवाददाता अब्दुल्ला फारूक ने झोला छाप अस्पतालों की पोल खोल दी। डेंगू का मरीज पेड़ों के नीचे ड्रिप लगवा कर चारपाई पर लेटा दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डेंगू से कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आज हम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी इलाके में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। डेंगू से मरीजों की मौत हुई है और यहाँ पर कुछ जो अस्पताल बने हुए हैं या कह सकते हैं कि झोला छाप डॉक्टर हैं, वो खुलेआम मरीजों का पेड़ के नीचे इलाज कर रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ड्रिप लगी हुई है इनके। क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, कैसे आप यहाँ पे एडमिट हुए हुए हैं? तबीयत खराब हो रही है यार, जो कोई खुशी में पड़े हैं यहाँ। अच्छा, मतलब डेंगू हुआ है क्या? हाँ। कितने दिन से आप एडमिट हैं यहाँ पर? अभी तो आए ही हैं, अभी तो रिपोर्ट भी नहीं आई है हमारी। आपको बताते चले कि झोला छाप डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग का कोई खौफ नहीं है। इन लोगों के द्वारा सहारा ह्यूमन केयर नाम के फर्जी अस्पताल में डेंगू का इलाज किया जा रहा है। डेंगू के मरीजों का पेड़ के नीचे चारपाई पर नाबालिग बच्चों द्वारा इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि घर के अंदर चारपाई डालकर फर्जी अस्पताल बना दिया गया। डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों का झोला छाप डॉक्टर सड़क पर पेड़ के नीचे इलाज कर रहे हैं। ऐसा करके वे मरीजों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दे कि थाना बिलारी की चौकी सहसपुर में फर्जी अस्पतालों का गढ़ चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार डिग्री वाले डॉक्टर मरीजों का इलाज कर सकते हैं। डेंगू होने के बाद जो ये मरीज हैं, वो जो फर्जी अस्पताल हैं या कह सकते हैं जो लचाव डॉक्टर्स हैं, उनके बाहर सड़कों पर एडमिट हैं और जो स्वास्थ्य विभाग है, कह सकते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वो आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। मुरादाबाद से भारत 24 के लिए अब्दुल्ला फारूक।